सो हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। इसका मतलब स्पोर्ट्स या बोलता है फुटबॉल से रेसर ट्रांसफर द ट्रांसफर रिमोस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से फुटबॉल से ही रिलेटेड सिर्फ न्यूज आएंगे इस चैनल में। एंड थैंक्स फॉर ऑल द सजेशन। कल मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें मुझे बहुत सारे सजेशन मिले। एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेते एटीके मोहन बगान के बारे में। तो एटीके मोहन बगान ने ऑफिशियली साइनिंग अनाउंस कर दिया लिस्टन कोलासो का। तो लिस्टन कोलासो बहुत ही ज्यादा यंग प्लेयर है एंड ये साइनिंग हम सबको पता ही था कि ये साइनिंग होगा, बट उम्मीद नहीं किया था कि इतना जल्दी अनाउंस हो जाएगा। बट जो भी हो, एटीके मोहन बगान ने लिस्टन कोलासो को एक रिकॉर्ड ट्रांसफर फी देके साइनिंग कंप्लीट किया है, जो कि काफी बड़ा बात है। 1.2 करोड़ समथिंग एटीके मोहन बगान ने लिस्टन कोलासो के लिए हैदराबाद एफसी को दिया है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है। एंड लिस्टन कोलासो बन चुके द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रांसफर प्लेयर इन आईएसएल हिस्ट्री। बट जो भी हो, ये साइनिंग बहुत एक बड़ा साइनिंग है, काफी ज्यादा बढ़िया साइनिंग मैं बोलूंगा एटीके मोहन बगान के लिए, क्योंकि लिस्टन कोलासो के पास बहुत ज्यादा अच्छा एबिलिटीज है। उनके पास एक कमाल का स्पीड है एंड मेरे सबसे इन सारे चीजों का एडवांटेज डेफिनेटली एटीके मोहन बगान को नेक्स्ट सीजन में मिलेगा। एंड दूसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये कि लिस्टन कोलासो पूरे अटैक में खेल सकते हैं, मतलब सेंट्रल फॉरवर्ड, लेफ्ट विंग, राइट विंग, तीनों ही पोजीशन में बहुत अच्छे से वो खेल सकते हैं, एंड जो कि एटीके मोहन बगान के लिए काफी ज्यादा बढ़िया बात। सुरक्षित रहे एडु गार्सिया की तरफ से। तो एटीके मोहन बगान एडु गार्सिया को अपनी टीम से निकाल सकते हैं, बट हाँ, एडु गार्सिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2022 तक है। तो अगर एटीके मोहन बगान एडु गार्सिया का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते एंड अगर वो म्यूचुअल टर्मिनेशन नहीं होता, तो एटीके मोहन बगान को एडु गार्सिया को एक फी तो डेफिनेटली देना पड़ेगा। एंड मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही डिसीजन एटीके मोहन बगान के मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि हम सबको पता है कि एडु गार्सिया 90 मिनट्स खेलने के लिए अभी उतना फिट नहीं है। उनका एज 30 है, वो लेफ्ट विंग पोजीशन के प्लेयर है, बट फिर भी वो 90 मिनट्स नहीं खेल सकते प्रॉपरली, जो कि हम सबको पता है, हम सब ने देखा भी है पिच में। तो मेरे हिसाब से एटीके मोहन बगान को एज बिकॉज नेक्स्ट सीजन से सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स ही खेल पाएंगे। बेंच में डेफिनेटली 3 फॉरेन प्लेयर्स हो सकते हैं आपके, बट जो 4 फॉरेन प्लेयर्स एटीके मोहन बगान में खेलेंगे, एटलीस्ट उनका बहुत ज्यादा स्टडी होना जरूरी है। मेरे हिसाब से अगर एडु गार्सिया एटीके मोहन बगान छोड़ते तो डेफिनेटली वो कोई दूसरे ऐसे के क्लब में आसानी से जा सकते हैं, बट चांसेस यही ज्यादा है कि वो एटीके मोहन बगान छोड़ के कोई दूसरे क्लब में जाएंगे। एंड सिर्फ एडु गार्सिया नहीं, मेरे हिसाब से मार्सिलिनो भी एटीके मोहन बगान छोड़ रहे हैं। मतलब बेसिकली एटीके मोहन बगान इन दोनों प्लेयर्स को निकाल रहे हैं अपने टीम से, क्योंकि उनको नया प्लेयर चाहिए। सर देखते क्या होता है। सुरक्षित हमारे चेन्नई एफसी की तरफ से। तो चेन्नई एफसी ने साबा लास्लो के साथ पार्ट वे कर लिया है। एंड जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी भी कोच को थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड साबा लास्लो के अंडर चेन्नई एफसी का परफॉर्मेंस अच्छा था। उतना कम ट्रांसफर बजट में एक टीम को प्रॉपरली मैनेज करना, ऊपर से रफाइल क्रिवेलाडो का इंजरी एंड दो स्ट्राइकर का आउट ऑफ फॉर्म चले जाना, ये कोचेस का गलती नहीं है। यहाँ पे प्लेयर्स को हम लोग को पॉइंट आउट करना चाहिए। इस्मा का आउट ऑफ फॉर्म होना कम्प्लीटली एंड जैकब सिल्वेस्टर का तो कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं था इस सीजन में। बट हाँ, चेन्नई एफसी ने अटैक बहुत अच्छा किया है एंड डेफिनेटली मैं साबा लास्लो के अंडर एक और सीजन देखना चाहता था चेन्नई एफसी को, बट मैनेजमेंट को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। एंड फुटबॉल में इंस्टेंट रिजल्ट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, टीम को प्रॉपरली बैलेंस करना पड़ता है। जहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है, वहां पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट ऐसे नहीं मिलेगा, टीम को प्रॉपरली सेट करना पड़ा। जहां पे चेन्नई एफसी का अटैक में ही प्रॉब्लम है, मतलब बॉल तो डिलीवर हो रहे बट कोई प्रॉपर फिनिशर नहीं है। एंड निर्जस वाल्सकिस का एरिया बहुत ज्यादा खाली लग रहा था एंड उसके बीच में सिर्फ मतलब साबा लास्लो का जो पूरा टीम था, उस पूरे टीम को निकाल दिया गया है। एंड उसमें थे असिस्टेंट कोच, गोलकीपिंग कोच एंड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, तो बेसिकली 4 लोगों को निकाला गया है। एंड अगेन, कोचेस को टाइम लगता है एक टीम को प्रॉपरली सेट करने में, इंडिया में आके इंडियन प्लेयर्स का मेंटेलिटी को समझने में। सो टीम के मैनेजमेंट को ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोचेस को एक प्रॉपर टाइम दो। एंड अगर एक टीम एक कोच को सिर्फ एक साल का ही कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, तो वो लोग डेफिनेटली थोड़ा सा सेफ खेलेंगे एंड टाइम लगता है कोचिंग में, हम सबको पता है। बट जो भी हो, चेन्नई एफसी ने डिसीजन लिया है कि वो साबा लास्लो को निकाल रहे हैं, ये ऑफिशियली भी अनाउंस हो चुका है। सर देखते हैं कि चेन्नई एफसी का न्यू कोच कौन होता है। सर अच्छी तरह नॉर्थ ईस्ट एफसी की तरफ से। तो नॉर्थ ईस्ट एफसी बहुत ज्यादा क्लोज है कि वो लुइस मचाडो एंड फेडरिको गैलेगो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर ले। अब ये र्यूमर है, अब लुइस मचाडो का तो कॉन्ट्रैक्ट वो लोग एक्सटेंड कर सकते, बट फेडरिको गैलेगो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए कि फेडरिको गैलेगो के पास ऑलरेडी बहुत सारे आईएसएल के क्लब्स का ऑफर है एंड बहुत सारे क्लब्स फेडरिको गैलेगो को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं।
एंड डेफिनेटली फेडरिको गैलेगो कमाल के प्लेयर, उनके पास एक कमाल का स्किल सेट है एंड कोई भी क्लब उनको अपने टीम में डेफिनेटली शामिल करना चाहेंगे। एंड लुइस मचाडो का भी परफॉर्मेंस इस सीजन कमाल कर रहा है एंड नेक्स्ट सीजन मेरे हिसाब से खालिद जमील ही रहेंगे, सो लुइस मचाडो का रोल ही नेक्स्ट सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड फेडरिको गैलेगो का भी रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो नॉर्थ ईस्ट एफसी का मैनेजमेंट पूरा ट्राई कर रहा है कि वो इन दोनों प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर ले जितना जल्दी से जल्द हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम जाएगा क्या पता प्लेयर्स अपना मूड चेंज कर ले एंड वो कोई दूसरे क्लब में चले जाए। बड़ा मेरे हिसाब से फेडरिको गैलेगो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा या नहीं इसको लेके अभी बोलना सही नहीं होगा, बट लुइस मचाडो का कॉन्ट्रैक्ट इजिली एक्सटेंड हो जाएगा एंड अगर इससे रिलेटेड कोई फर्दर अपडेट आएगा तो आपके चैनल में मिल जाएगा। हमारे जेरी की तरफ से, तो जेरी के ऊपर इंटरेस्ट दिखा है दो क्लब्स ने एंड ऑलरेडी इन दो क्लब्स के साथ जेरी का जो एजेंट है वो बात कर रहा है एंड ईस्ट बंगाल एंड केरला ब्लास्टर्स एफसी के साथ बेसिकली जेरी का एजेंट बात कर रहा है एंड एज बिकॉज जेरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मई 2021 में खत्म हो रहा है, मतलब एक महीने के बाद खत्म हो रहा है, सो इसी के वजह से बहुत सारे क्लब सिर्फ ईस्ट बंगाल एंड केरला ब्लास्टर्स एफसी नहीं, इन दोनों क्लब्स ने तो अभी बात करना थोड़ा सा शुरू किया है, बहुत सारे क्लब इंटरेस्टेड है जेरी के ऊपर एंड वो लोग बस वेट करे कि कब जेरी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो एंड उसके बाद वो लोग जेरी के मैनेजमेंट के साथ प्रॉपरली एकदम फ्रीली बात कर सकेंगे एंड उड़ीसा एफसी भी अपना 100% ट्राई कर रहे कि वो जेरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड कर ले, बट थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट डेफिनेटली अभी ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या वो उड़ीसा एफसी में रहना चाहते हैं या फिर वो कोई दूसरे क्लब में जाना चाहते हैं, चांसेस यही ज्यादा है कि वो उड़ीसा एफसी में रहे ऐसा मुझे लगता है एंड अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो चांसेस 50-50 है कि वो उड़ीसा एफसी में भी रह सकते हैं, वो कोई दूसरे क्लब में भी जा सकते हैं, अब देखते क्या होता है। सिलेक्शन सर हमारा पर्सेपोलिस की तरफ से, तो पर्सेपोलिस ने अभी तक तो इंडिया में लैंड नहीं किया है बट उससे पहले उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा हेटफुल कमेंट किया है, एटलीस्ट मेरे लिए तो वो काफी ज्यादा हेटफुल था एंड उन्होंने बोला है कि जानबूझ के इंडियन अथॉरिटी उनके फ्लाइट को डिले कर रहा है एंड वो लोग चार्टर्ड प्लेन में आने वाले थे एंड मैं बता दूं चार्टर्ड प्लेन में आने के लिए एक तो सबसे पहले लैंडिंग स्पॉट क्लियर होना जरूरी है जो कि सैटरडे को मतलब कल नहीं था, आज उनको आना चाहिए था बट फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो कल ही आएंगे एंड दूसरा चीज उन्होंने प्रॉपर टाइम में पेपर सबमिट नहीं किया था जो कि डेफिनेटली वो लोग अपने स्टेटमेंट में नहीं बताएंगे, अपना गलती कौन बताता है। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसे कैसे एएफसी इंडिया जैसे कंट्रीज में, मतलब इंडिया जैसे तो नहीं बोला है सच कंट्रीज बोला है, तो मैं पकड़ लेता हूँ इंडिया को भी बोला होगा क्योंकि एएफसी चैंपियंस लीग इंडिया में ही हो रहा है उनका ग्रुप का, तो कैसे एएफसी ऐसे कंट्रीज में टूर्नामेंट होस्ट कर सकते जहां पे प्रॉपर लैंडिंग फैसिलिटीज, देखो लैंडिंग फैसिलिटीज है इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लैंडिंग फैसिलिटीज है बट पर्सेपोलिस को समझना होगा कि एक ऑथराइज्ड कुछ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करना पड़ता है हर एक टीम को जो लोग बाहर से आते हैं एंड पर्सेपोलिस ने डेफिनेटली वायलेट तो किया, पेपर सबमिट नहीं करोगे तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों अलाउ करेगा किसी भी फ्लाइट को, एक सिक्योरिटी रीजन होता है, तो हर चीज एक प्रॉपर वे में होता है जो कि मेरे हिसाब से पता नहीं वो लोग समझ नहीं पाए या क्या, बट जो भी हो मेरे हिसाब से इन सब बातें थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी किया जा सकता था उनको जो भी प्रॉब्लम था, बट उन्होंने सबसे हेटफुल वे चूज किया इन सारे बातों को लोगों के सामने रखने के लिए एंड उसके बाद उन्होंने और बोला है कि इंडिया में कोई भी यू नो क्वारंटीन का सिस्टम नहीं है, जिससे मैं एग्री करता हूँ कि हाँ यहाँ पे अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्वारंटीन होना चाहिए एंड उनके पूरे प्रेस रिलीज से मैं बस एक पॉइंट में एग्री करता हूँ कि हाँ क्वारंटीन का लेके थोड़ा सा AIFF या फिर AFC को सोचना चाहिए, अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ AIFF को पूरा गलती नहीं दे सकते, डेफिनेटली उनका फॉल्ट है मैं मानता हूँ बट AFC का भी उतना ही फॉल्ट है क्योंकि अगर AFC चाहे तो क्वारंटीन कर सकते हैं बट डेफिनेटली उन्होंने भी यही बोला होगा कि नहीं क्वारंटीन करने का कोई जरूरत नहीं है, तो हाँ उनका पूरा प्रेस रिलीज में एक बात सही है बट उनका बोलने का या फिर ये मैसेज को कन्वे करने का तरीका बहुत ज्यादा खराब है एंड उसके बाद पर्सेपोलिस के फैंस एकदम चढ़ गए, डेफिनेटली उनको पता ही नहीं है कि पर्सेपोलिस ने खुद कोई पेपर सबमिट नहीं किया फॉर लैंडिंग पर्पसेस, बेसिकली दो ही पॉइंट के ऊपर बात किया, एक तो लैंडिंग एंड दूसरा क्वारंटीन को लेके, एंड लैंडिंग का तो मैंने बता दिया कि उनका पूरा गलती था एंड एट्स बिकॉज सैटरडे में कोई स्लॉट खाली ही नहीं था तो वो लोग लैंडिंग करेंगे कहां एंड एट्स बिकॉज चार्टर्ड प्लेन को लैंडिंग करने के लिए अलग से जगह चाहिए तो इसी के वजह से वो लोग लैंडिंग नहीं कर पाए एंड लैंडिंग इसी के कारण डिले भी हुआ, बट क्वारंटीन को लेके हाँ मैं भी अग्री करता हूँ कि हाँ क्वारंटीन होना चाहिए एंड मेरे हिसाब से AFF को एंड AFC को दोनों को इस चीज को लेकर थोड़ा सा सोचना चाहिए इन फ्यूचर। सिलेक्शन इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में आज एसी मिलान, तो एसी मिलान के साथ ज्लैटन इब्राहिमोविच ने वर्बली अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है, वर्बली है रिटन नहीं, ऐसा ही वर्बली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड रॉय कृष्णा ने ATK मोहन बगान के साथ किया था, मतलब बेसिकली बोल दिया है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लूंगा, अभी साइन नहीं करूंगा बट इन फ्यूचर साइन भी कर दूंगा एंड मेरे सबसे ज्लैटन इब्राहिमोविच एसी मिलान में ही रहेंगे एंड एसी मिलान का अगर हम लोग कोर देखे मतलब जो सेंटर है वो ज्लैटन इब्राहिमोविच है एंड कमाल के प्लेयर ज्लैटन इब्राहिमोविच, बोलने का जरूरत नहीं है एंड एक बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ज्लैटन इब्राहिमोविच एसी मिलान में, एंड मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एसी मिलान के लिए काफी ज्यादा बढ़िया बात है। सर इसी तरह लालीगा की तरफ से, तो लालीगा में कल मैच था रियल मद्रिद वर्सेस बार्सिलोना, एंड ये मैच रियल मद्रिद ने 2-1 से जीत लिया है। एंड कमाल का मैच मैं बोलूंगा, फर्स्ट हाफ में रियल मद्रिद ने डोमिनेट किया है, सेकंड हाफ में बार्सिलोना ने बहुत अच्छा खेला है। ब्रेथवेट के ऊपर एक फाउल हुआ था पेनल्टी बॉक्स के अंदर, मैं बोलूंगा 50-50 था, डेफिनेटली बार्सिलोना फैंस बोल रहे थे कि वो पेनल्टी था, रेफरीज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मेरे हिसाब से वीएआर ले लेना चाहिए था इन सारे पोजीशंस में, बट वीएआर नहीं लिया गया। अब क्यों नहीं लिया गया ये तो मुझे भी नहीं पता। रोनाल्ड कुमार ने बोला कि सिर्फ 4 मिनट एडिट टाइम क्यों, जहाँ पे 3 मिनट तो सिर्फ रेफरीज को कुछ यू नो माइक में प्रॉब्लम था, तो इसी के कारण 3 मिनट तो वहीं पे वेस्ट हो गया कि वायर वो लोग सेट कर रहे थे। एंड मेरे हिसाब से 5 से 6 मिनट एटलीस्ट एडिट टाइम होना चाहिए था, बट जो भी वो मैच काफी ज्यादा अच्छा रहा। एंड अगर हम लोग बार्सिलोना का बात करें तो 3 प्लेयर्स ने अच्छा खेला है, एंड उसमें से एक प्लेयर ने कमाल का खेला है, एंड उसका नाम है ऑस्कर मिंगुएजा। ऑस्कर मिंगुएजा का जो परफॉर्मेंस है डिफेंस अटैक मिडफील्ड कमाल का है, बॉल कंट्रोल कमाल का है, जो गोल किया है वो काफी ज्यादा अच्छा है, एंड टीम को एक प्रॉपरली बैलेंस कर रहे थे। फ्रेंकी डियोंग एक और नाम, मिडफील्ड डोमिनेशन एंड डिफेंस अटैक दोनों में अपना योगदान देना, प्रॉपरली घुसना बॉल्स के लिए, एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था फ्रेंकी डियोंग का। एंड लियोनल मेसी ऑफ कोर्स उन्होंने अपना 100% दिया ही था, एंड लियोनल मेसी को काफी ज्यादा टाइट मार्किंग में रखा गया था। ऑब्वियसली ये तो पता ही है कि लियोनल मेसी को टाइट मार्किंग में रखा जाएगा, बट जिसने सबसे ज्यादा शॉक किया मुझे, ब्रेथवेट ने एज अ सब्स्टिट्यूट काफी अच्छा खेला, एंड एंड मोमेंट में तो बार्सिलोना का एक शॉट पोस्ट में भी लगा था, बैड लक में बोलूंगा बार्सिलोना के लिए, बट कोई बात नहीं, रियल मद्रिद का भी कुछ शॉट पोस्ट में लगा था। एंड अगर हम रियल मद्रिद का बात करें तो रियल मद्रिद की टीम में मेंडी को छोड़ के सब ने बहुत अच्छा खेला है, थिबो कोतुआ ने कुछ बहुत अच्छे सेव किए, एंड जो पहला गोल था जो कि करीम बेंजीमा ने किया है वो कमाल का फिनिश, मतलब वेलवर्डे ने बॉल को थोड़ा सा क्लियर किया मिडफील्ड से, लुकास वास्केस को काफी बढ़िया पास दिया, एंड लुकास वास्केस ने वहां से काफी एक्यूरेट क्रॉस में बोलूंगा करीम बेंजीमा को दिया, एंड वहां से करीम बेंजीमा ने एक क्लासिकल फिनिश एल क्लासिको में किया है। सो डेफिनेटली रियल मद्रिद का ये मैच था, एंड हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि रियल मद्रिद 4 दिन बाद 14 तारीख को फिर से लिवरपूल के अगेंस्ट में खेलेंगे, तो जिदान ने प्रॉपरली प्लान बैठाया, मार्को एसेंसियो को इस मैच में नहीं खिलाया, जहां पे मार्को एसेंसियो का जो रिसेंट फॉर्म है वो कमाल का है। सो देखते हैं कि इस सीजन में लालीगा कौन जीतता है। सो बस गाइस आज के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।